सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आप लोग कैसे ब्लैक फेस को बहुत ही ज़्यादा गोरा एंड वाइट कर सकते हैं। सो इस वीडियो पर मैं यही आप लोगों को सिखाने वाला हूँ गाइस, जो कि मेरी स्किन पर आप लोग देख सकते हैं पिक। सो बहुत ही ब्लैक है, इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से वाइट कर दिया। सो इस तरीके का एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस जो फोटो है ना, इसको आप लोग शेयर कर लीजिए स्नैपचैट ऐप पर। सो स्नैपचैट ऐप पर शेयर करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा गाइस, जो कि मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कीजिए, ठीक है। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्टिव वाले टूल को ओपन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद गाइस, फेस के अंदर कुछ इस तरीके से रख देना है, उसके बाद जूम करना है और राइट की तरफ स्वाइप करना है, ठीक है। सो आपका जो फेस है गोरा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोरा हो चुका है फेस। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कीजिए गाइस, सो सेव हो जाएगा फ़ोटो। सेव होने के बाद गाइस, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा जो टोन है ना, टोन इमेज, इसके ऊपर थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को हाई कर देता हूँ और जो यहाँ पर सरपने सब कुछ एडजस्ट कर लूँगा मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद गाइस, यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करूँगा, उसके बाद टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर फिर से जाऊँगा, थोड़ा सा डिटेल्स डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद गाइस, यहाँ से राइट, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर फेस थोड़ा सा यहाँ पर वाइट हो चुका है। उसके बाद गाइस, यहाँ से आप लोगों को सेव कर लेना है फ़ोटो को। सो फोटो को सेव करने के बाद आप लोगों को ओपन कर लेना है यहाँ पर ऑटोडेक्स स्केच बुक ऐप के अंदर, ठीक है। वहाँ पर हम लोग स्मूथनेस करेंगे फ़ोटो का। सो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ फ़ोटो को। सेव करने के बाद ऑटोडेक्स स्केच बुक के अंदर ओपन कर लेता हूँ फ़ोटो को, ठीक है। सो फटाफट से ओपन कर लेता हूँ मैं। सो गाइस, मैंने फ़ोटो को ओपन कर लिया यहाँ पर ऑटोडेक्स स्केच बुक ऐप के अंदर। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करूँगा, जो कि मिडिल में है। टैप करने के बाद यहाँ से जो इस वाले ब्रश है, इसको मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेटिंग के ऊपर टैप करूँगा और आप लोग देख सकते हैं मेरी सेटिंग। सो इस कुछ इस तरीके से आप लोगों को रख देना है और जो साइज है ना, उसको अपने मुताबिक से, ठीक है। उसके बाद गाइस, जूम करिए फ़ोटो को। जूम करने के बाद यहाँ से आप लोगों को स्मूथनेस करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्मूथनेस करना है आप लोगों को। आपका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा गोरा एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ट्रिक कैसा था नीचे कमेंट करके बताना। और गाइस, और एक मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप लोग ऐसा करके फेस को स्मूथ नहीं कर सकते तो इस ट्रिक को आप लोग यूज़ कीजिए, ठीक है। सो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो भी ट्रिक एक बार से, ठीक है गाइस। सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से कर लेता हूँ पहले। सब लोग देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर स्मूथनेस आ चुके हैं गाइस। सो ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से करना है, जितने अच्छे से करोगे आप उतना ही अच्छा जो फेस है आपका लगेगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं इस फोटो को कर देता हूँ मिनिमाइज। उसके बाद गाइस, दूसरा ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा नॉर्मल पिक है। सो इसको मैं एक क्लिक के अंदर यहाँ पर स्मूथनेस कर दूंगा। सो शेयर पे टैप करके मैं B612 ऐप पर यहाँ पर ओपन कर लूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को B612 ऐप डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन, सो फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर जो क्लीन वाला आइकन है ना, सो एक क्लिक के अंदर आप लोग देख सकते हैं अपना जो फोटो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्मूथनेस एंड गोरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ से मैं सेव कर लूँगा। सो अगर इस वाले फिल्टर के अगर कम नहीं करता है तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कौन सा फिल्टर अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं ये फिल्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, इससे ऐसे करके आप लोग फेस को स्मूथनेस कर सकते हैं। सो आज का वीडियो कैसा था नीचे कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी कमेंट करना। सो बाय बाय।